राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेने कनाडा गए माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार सुबह ओंटारियो प्रांत की राजधानी टोरंटो में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत की। फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष का बड़े गर्वजोशी से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हुए, साथ ही भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए। नाश्ते पर हुई बैठक में लोकसभा स्पीकर ने बड़े गौर से भारतीय मूल के लोगों की बात सुनी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने ओटावा में आयोजित CSPOC के सफल आयोजन की भी चर्चा की। उन्होंने कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी तारीफ की। रास्ता में बड़े हर सेक्टर में आगे बढ़े, एज ए स्पीकर मेरा दायित्व भी होता है। इस बार मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि कभी भी किसी राज्य में, देश में, कोई भी आपने इस सेक्टर में आना चाहे, आपको भी तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आप मुझसे मिले, मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करूँगा, आपका सहयोग करूँगा और आपको कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, ऐसी कोशिश करूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट भारत में कर सकें। और हम चाहेंगे कि जो भी भारतीय मूल का है, चाहे यहाँ पैदा हुआ लेकिन उसकी जन्मस्थली है, उनके आपस में हमारे संबंध बने रहें। मुझे अच्छा लगता है कि जब यहाँ पर यहाँ की विधानसभा, यहाँ की पार्लियामेंट में दिवाली मिलन समारोह होता है, आप भी समय समय पर अपने अलग अलग ट्रेडिशनल जो भी प्रदेश के हैं उनके सबके सांस्कृतिक कार्यक्रम में धार्मिक आयोजन करते थे। ये हमें जोड़ता है और ये हमारी विशेषता है। भारत में जब संसद में देखते हैं कि अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग जाति, अलग अलग बोली, लेकिन विविधता के अंदर एकता। कनाडा भी यही इसी तरीके का कि अलग अलग देश से आए लोग हैं लेकिन विविधता के रूप में सब अपने अपने धर्म के प्रति संतर से अपना सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को ओंटारियो प्रांत की असेंबली के स्पीकर टेड अर्नॉट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सम्मान में स्वागत समारोह और रिसेप्शन का आयोजन किया। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कनाडाई संसद द्वारा भारत कनाडा संसदीय समूह बनाने के लिए धन्यवाद किया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग विदेशों में भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कनाडा की विकास यात्रा में भारतीय समुदाय के 16 लाख से ज्यादा लोगों के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकसभा टेलीविजन।